हाय गाइस, आपके अपने होटल टूर से एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप पिज्जा, बर्गर, डोसा और रेस्टोरेंट और होटल की चीजें खा खाकर बोर हो गए हो और चाहते हो कुछ नया, बिल्कुल गांव जैसा, शुद्ध और ताजा, तो भाई ये रेसिपी आपके लिए। आप इसे खाने के बाद दिन भर अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है और झटपट से बन जाती है। और ये रहा हमारा वो दही जिससे हम छाछ और मक्खन दोनों बनाएंगे। और ये देखिएगा कितनी मोटी मलाई की परत इसके ऊपर आई है। बस इसी तरीके से डेयरी वाले जमाते हैं और उनकी जो मलाई है एकदम से परफेक्ट ऊपर आती है, तो उसी तरीके से मैंने जमाया है। खैर आप चिंता ना करें, इस दही को मैं इसी रेसिपी में जमाऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीका है जमाना और ये पानी भी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो अब दही को मैं काट के भी दिखा देता हूँ कि ये पानी छोड़ेगा या नहीं। ये देखिएगा एकदम से कटमा दही जमा है। बस इसी तरीके से डेयरी वाले या हलवाई वाले जमाते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी सभी लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। तो इसे बनाने के लिए ले लेते हैं एक मोटे तले की कढ़ाई। आप कोई भी बर्तन लें, बस मोटे तले का होना चाहिए। और अब लेंगे यहाँ पर हम दूध, फुल क्रीम वाला। मैंने यहाँ पर पैकेट वाला लिया है ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बहुत ही ज्यादा शुद्ध दूध लाया। और अब फुल क्रीम दूध हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 लीटर जितना दूध लिया है। अब दूध हमने निकाल लिया है तो इसे गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा देते हैं। और अब लेंगे इस तरीके की हम लकड़ी वाली कलछल। इससे चलाना बहुत आसान होता है क्योंकि इसका जो नीचे का हिस्सा है वो एकदम से सपाट होता है, जिससे जो हमारा दूध है वो तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो यही कलछल आप लें जब भी आप दूध गर्म करें। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे गर्म होने देंगे। अब दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है तो अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि जो दूध हमारा है वो सही से गर्म हो जाए। अब दूध गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और अब इस दूध को हम छानेंगे। जी हाँ, मैं यहाँ पर बाद में छान रहा हूँ ताकि अगर दूध तले में चिपक जाए तो उसकी जो जलावन है वो मुंह में ना आए और हमारे दूध का स्वाद बिल्कुल भी खराब ना करे। और अब लेंगे एक मिट्टी का कूड़ा। ज्यादातर डेयरी वाले इसी कूड़े में जमाते हैं। इसे कूड़ा कहा जाता है, मिट्टी का बर्तन भी कह सकते हैं। ये मोटे तले का होता है और इसमें जो दूध बिल्कुल परफेक्ट जमता है। वजह उसकी ये है कि मट्टी का होता है, जितना भी पानी निकलता है वो सारा सारा ही सोख कर लेता है। उससे जो दूध की क्वांटिटी है वो होती तो थोड़ी सी कम है, पर जो हमारा दही है वो एकदम से परफेक्ट जमता है बिना पानी के। तो आप इस बर्तन में जमाइएगा वो भी परफेक्ट जमेगा। खैर आप किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं। मेरी आपने एक और दही वाली रेसिपी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो वो देखिएगा। उसे मैंने बिल्कुल वैसे ही जमाया है जैसे डेयरी वाले जमाते हैं। फिलहाल हम दूध को छान लेते हैं। अब हमने दूध सारा का सारा छान लिया है तो अब क्या करना है, अब दूध को हम एक ऐसी जगह रख देंगे जहां पंखा चल रहा हो, जिससे क्या इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी मलाई आ जाए। मैं आपको मलाई उठा के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा बस इसी तरीके की अगर आपको मलाई लानी हो तो इस दूध को पंखे के नीचे रखें, बहुत जल्दी इसके ऊपर एक प्यारी सी मलाई आ जाएगी। फिलहाल दूध को उठा लेते हैं और अब सबसे पहले बिछाएंगे पंखे के नीचे टावल। टावल बिछाने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जो आपका दही है वो पानी नहीं छोड़ेगा और एकदम से परफेक्ट जम जाएगा, क्योंकि जो हमारे दूध की गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाएगी और वो अपनी ही गर्मी में जल्दी से जम जाएगा। तो इसीलिए दही को हमें दूध की ही गर्मी में जमाना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम 20% जितना गर्म दूध रखते हैं। अब दूध को हम बड़ी आसानी से रख देंगे ताकि इसके ऊपर की जो मलाई है वो बिल्कुल भी ना टूटे। और दूध को लगभग 80% जितना ठंडा हो जाने के बाद इसमें डायरेक्ट दही डाल देंगे। अब देख लेते हैं दूध कितना गर्म है। मैंने ये चम्मच से लिया थोड़ा सा दूध और हाथों पे रखा। अब इससे आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये कितना ठंडा हो चुका है, इसीलिए इस दूध में हम उंगली डालकर चेक करेंगे। हाँ भाई, दूध लगभग 80% तक ठंडा हो चुका है, यानी कि हमारी उंगली इस दूध को सहन कर रही है। बस इसी स्टेज पर इसे हम जमाएंगे, यानी कि इसके अंदर हम दही डाल देंगे। दही भी डालने का एक विशेष तरीका है। सबसे पहले तो हम ताजा दही लेंगे और इसको लगभग 5 जगह पर डालेंगे। तो एक मैंने इस जगह पर डाल दिया, दूसरा डालेंगे इस जगह पर, तीसरा इस जगह पर और चौथा इस जगह पर और पांचवा इसके बीच में। इससे क्या है, जो हमारा दूध है वो चारों तरफ बराबर जमेगा और हमारा दही काटने के बाद कहीं से भी पानी नहीं छोड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसे 5 जगह जरूर डालें, चारों किनारे और फिर इसके बीच में। दही बहुत ज्यादा नहीं डालें, नहीं तो ये काफी खट्टा हो जाएगा। अब दूध को हम टावल से ढक देते हैं। बस यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जो टावल लेनी है वो काफी मोटी लेनी है। अगर टावल आपकी पतली है तो इसके ढक्कन के ऊपर एक वजन रख दें ताकि जो हमारा दूध है उसकी गर्मी बिल्कुल भी बाहर ना निकल पाए। अब दूध को हम ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग 8 से 9 घंटे। लगभग 9 घंटे हो चुके हैं। अब दूध को हम खुलकर चेक कर लेते हैं। बस इस तरीके से हम टावल हटा लेंगे। लीजिए भाई, दही तो हमारा जम चुका है, देखने से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। लेकिन अभी से हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, क्योंकि सबसे पहले इसे हम रखेंगे फ्रिज में। और अगर इस दही को हम फ्रिज में नहीं रखेंगे तो जैसे ही इसे हम काटेंगे ये काटने के बाद पानी छोड़ देगा, तो इसीलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो हम भी लगभग इसे 3 घंटे फ्रिज में ऐसे ही लगा देंगे। लगभग दही को ठंडा हुए 4 घंटा हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि दही के ऊपर कितनी प्यारी मलाई जमी हुई है। ये ली मैंने एक चम्मच, है ना एकदम से प्यारी मलाई। भाई यही लस्सी के ऊपर रखी जाती है और तभी जो डेयरी वाली लस्सी है उसका स्वाद एकदम से गजब का आता है। अब मैं आपको पास से मलाई दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, है ना कितनी मोटी मलाई। बस इसी तरीके से डेयरी वाले जमाते हैं। अब जब हमारा दही जम चुका है तो इसका अब हम छाछ बना लेते हैं। और अब ले लेंगे एक मिक्सी का जार।
वैसे वो मथनी से मथते लेकिन हमारे यहाँ मिक्सी का जार है तो इसका छाछ हम इसी से निकाल लेंगे। तो इसमें डाल देंगे हम दही और फिर से थोड़ा सा दही लेंगे और अब फिर से लगभग मैंने यहाँ पर 400 ग्राम जितना दही लिया है तो इतने दही में आसानी से 4 ब्रेडों के लिए मक्खन निकल आएगा और जो हमारा छाछ है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। दही मिक्सी के जार में डाल लिया है तो अब इसमें डालेंगे हम बिल्कुल ठंडा पानी। जी हाँ, इस ट्रिक को जानना बहुत जरूरी है। और अब इसका हम ढक्कन लगा लेंगे। तो बस अब इसे हम मिक्सी के ऊपर रख देंगे और अब इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब ये दही काफी ठंडा हो चुका है क्योंकि दही भी ठंडा था और मैंने बर्फ का पानी भी डाल दिया। तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सादा पानी क्योंकि जब दही ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो भी मक्खन अच्छी तरीके से नहीं निकलेगा और दही गर्म रहेगा तो भी मक्खन निकालने में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए इसमें हमने पहले ठंडा पानी डाल दिया, उसके बाद जब दही निकालने में दिक्कत हुई तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी। जी हाँ, जब मक्खन निकाला जाता है तो गर्मी के सीजन में इसमें बर्फ डाली जाती है और जब ठंड होती है तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी डाला जाता है। तो दही का अगर बिल्कुल सही टेम्परेचर रहेगा तभी आपका मक्खन जल्दी से निकलेगा। अब मक्खन इसके ऊपर आ गया है तो इसे एक हम बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर से जो मक्खन निकालना है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो लेंगे एक इस तरीके का बर्फ का टुकड़ा। जी हाँ, इसी से जो इसके ऊपर मक्खन है वो आसानी से हार्ड हो जाएगा और इसे हाथों से निकालने में बहुत आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पर बर्फ का इस तरीके से टुकड़ा डाल देता हूँ। अब ये मक्खन बहुत ज्यादा सॉफ्ट था तो इसे निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब ये मैंने टुकड़ा डाल दिया है तो ये मक्खन काफी हार्ड हो गया है और इसे बड़ी ही आसानी से चम्मच से निकाला जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसे निकालने में। अब मक्खन हमने एक साइड कर लिया है तो चम्मच की सहायता से इसे निकाल लेंगे। है ना कितना आसान मक्खन निकालना, वो भी गाँव जैसा। ये देखिएगा भाई, मक्खन बनके तैयार है। तो अब तैयारी कर लेते हैं मसाला छाछ की। तो इस छाछ को उठा लेंगे और फिर से वही जार लेंगे जिसमें मैंने दही को चलाया था और अब इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, बहुत ही कम डाल लें, सिर्फ थोड़े से ही डाल लें। तब इसमें डालेंगे हम काला नमक लगभग आधे टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, इसी के साथ जीरा पाउडर और अब डालेंगे चाट मसाला लगभग 3/4 टेबल स्पून जितना। अब इसका हम ढक्कन लगाकर इसे हाथों से इस तरीके से चला लेंगे। हाथों से नहीं चलाना है तो अब मिक्सी में से चला लें। अब छाछ में मसाला अच्छी तरीके से मिल चुका है तो इसे रख देंगे एक साइड और लेंगे एक बड़ी सी प्लेट, इसी के साथ 4 बड़ी साइज की ब्रेड। आप किसी भी साइज की ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ब्रेड ताजी होनी चाहिए। और अब ले लेते हैं हम एक ब्रेड और वही जो मैंने व्हाइट मक्खन बनाया था उसे चाकू की सहायता से लगा लेंगे। बस इस तरीके से लगाना है। वैसे भी मक्खन काफी बना है, आप 4 ब्रेड की जगह से 5 ब्रेड में भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर 2 लोगों के लिए बनाया है तो हम 4 ब्रेड पर लगा लेते हैं। अब हमने सारी ब्रेडों पर मक्खन लगा लिया है तो अब इसके ऊपर डालेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला से जो हमारी ब्रेड है काफी टेस्टी लगेगी तो इसे आप जरूर डालें, अवॉइड ना करें। अगर चाट मसाला नहीं है तो जीरा पाउडर भी छिड़क सकते हैं। फिलहाल मैंने सारी ब्रेडों पर ये मसाला छिड़क लिया है तो अब हमें दिखाना है तो ब्रेड को हम उल्टी नहीं रखेंगे बल्कि ब्रेड को हम सीधी रख देंगे। तो इस ब्रेड को रखेंगे दूसरी वाली ब्रेड पे, बस भाई परफेक्ट आ गया है। और इस ब्रेड को रखेंगे इसके ऊपर और अब लेंगे हम 2 गिलास और जो मैंने छाछ बनाया था उसको इस गिलास में डाल लेंगे। बस इसी तरीके से डालना है। अगर आपका मक्खन बच जाए तो वो भी इसके ऊपर आप रख सकते हैं। फिलहाल मैंने ब्रेड पे सारा मक्खन लगा लिया है तो अब ब्रेड बनके भी हमारी तैयार है और छाछ बनके भी तैयार है। फिलहाल इसे इसी प्लेट पे रख देंगे और अब डाल देंगे फिर से इसके ऊपर हम चाट मसाला। लीजिए भाई मसाला मक्खन ब्रेड के साथ मसाला छाछ बनके तैयार है। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप अपने प्रियजन या दोस्तों को भी ये रेसिपी दिखाना चाहें तो भाई इस रेसिपी को आप शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसके बगल का जो घंटा यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।